तो बोल देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने हॉस्टल से, मुस्टैश हॉस्टल, जहाँ पे पिछले 4 दिनों से मैं था। और यहाँ पर आकर मेरे को बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिले और उनसे भी पूछूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा हॉस्टल के अंदर, तो बात करेंगे कैसा रहा। इट इज़ अमेजिंग, माई फर्स्ट टाइम ऑन द हिल्स इन अ हॉस्टल। इट वॉज अमेजिंग, आई वुड लाइक टू डू दैट मोर वेरी ऑफन। आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। और यहाँ से त्रिउंड जाओ यार घूमने, एंजॉय करो। बाकी शर्माते हुए कुछ दोस्त, कैसा रहा यार एक्सपीरियंस? आप तो वर्केशन के लिए आए हुए थे आप यहाँ पे। ऑल गुड। हाथ के छोड़ रहे हो गया। आपका? बढ़िया बढ़िया, गुड। तो जी मस्ती चल रही है। ये यहाँ पे मैनेजर साहब है हमारे और हम इन्हीं पे ही डिपेंड है, क्योंकि कुछ भी खाना होता है हम इनके पास ही आते हैं। अभी भी आया, देखो मेन्यू बता दो। जो आपको मेन्यू बताता हूँ जी, मेन्यू बहुत ही बढ़िया है। आप आते हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैगी, ऑमलेट, सब कुछ, पोहा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट है, जो कि आप देख सकते हो। लेमन टी, मसाला टी, ब्लैक कॉफ़ी, तो आपको बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच हो जाता है और डिनर भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और हमारे पाजी रह गए, पाजी किवें रहा? बहुत बढ़िया सीगा वीरे। The most important part is the company. The company we all had over here. That was the most beautiful thing I have seen. So I've been to Mcleodganj few times and also Beerwilling. So this was the best day I would say, because I didn't have to take leaves. I was able to do a vacation also, and it was really good over here. So everything was good. Thank you वीरे. And nice to meet you too, man. Thank you, man. Thank you. तो जी ये हमारा कॉमन एरिया है, यहाँ पर हम रात को बैठते हैं, चिल करते हैं। बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ की। बाकी वर्केशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हेलो गाइस, तो वर्केशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग वर्केशन के लिए आए हुए हैं। वैसे रात को तो चिल यहाँ पे पार्टी चलती है, एंजॉय करते हैं, सब बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ये कॉमन एरिया मुस्टैश हॉस्टल का। बाकी किचन है, किचन में आपको रात को डिनर मिल जाएगा, अलग अलग मेन्यू होता है रोज़ का, तो बहुत ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेड ऑमलेट मंगवाया है और साथ में अंडा परांठा मंगवाया है। तो एक और वीरा आ गया हमारा, पंजाब से आए हुए हैं, ये भी पटियाला से आए हुए हैं और ये भी पटियाला से आए हुए हैं। बहुत बढ़िया रहा जी, इसी तरह 2 दिन में आए हैं बस। हम चल रहे हैं। हम कितने चल रहे हो? अजय तो धर्मशाला चल रहे हैं। अच्छा, बढ़िया रहा। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया रहा। फिर हॉस्टल बारे कुछ दसना चाहोगे? हॉस्टल बढ़िया सी जी, इट्स नाइस प्लेस टू हैंग आउट। ये बढ़िया जगह है पार्टी करने की बस जी। तो जी सबका मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया, सबका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब मस्ती कर रहे हैं इस टाइम पे। मेरा तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब नए नए फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो तभी ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तो इतने पैसों पे आप कहीं पे थोड़े पैसे और डालोगे तो आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, पर हॉस्टल में आते हो 300, 350, 400 एक अच्छा आपको डॉर्मेट्री में रूम मिल जाता है, जिसमें बेड मिल जाता है, जिसमें आप आराम से वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, सो सकते हो। बाकी यहाँ पे चिल करने के लिए जो कॉमन एरिया वो बहुत अच्छा था, वहाँ पर आप आराम से बैठो और नए नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाओ, हैंग आउट करो, तो एक अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो जो मेरे को यहाँ पे वाइब्स मिली है, बाकी यहाँ पे सब इंजॉय करते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो इंजॉय करा आज के पूरे दिन को। बाकी मैक्लोडगंज जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे और इंजॉय करेंगे आज पूरे दिन को। तो चलते हैं जी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैक्लोडगंज के लिए। कुछ था दसो कि मैं एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मैं 5 बारी हारी चेंगा खेलते हुए। एक्चुअली सिविल इंजीनियर है ना, शी नोज कि कितो चक्के तक गिरेगा या नहीं गिरेगा। जेडी भी सड़का बनन गया इधर अंदर जायो ना। किवें रहा एक्सपीरियंस? किवें रहा एक्सपीरियंस? I am very camera conscious. कुछ तो दसो। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क स्टेप करके हाँ, मैं से गिर के in this year also third consecutive year. हर साल का एक बार होता है ना, every year. बहुत मजा आया, I met new people. बढ़िया सी We played Jenga, we interacted with new folks, so. तो दोस्तों लोगों से बात करी, जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनसे बात करी कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और मैंने आपको बताया अपना एक्सपीरियंस भी। बाकी अगर आते हो मुस्टैश हॉस्टल में तो बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ की। बाकी बस एक ही कमी लगी कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो जाने का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता है जाने का, बस मेरे को यहीं बस डिफ़िकल्टी लगी और थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। बाकी यहाँ से आपको होकर जाना पड़ेगा तो रास्ता थोड़ा सा बेकार सही है। बाकी अगर मैं वाइब्स की बात करूँ, हॉस्टल की बात करूँ, फैसिलिटीज़ की बात करूँ, रूम्स की बात करूँ, डॉर्मेट्रीज़ की भी बात करूँ तो सब कुछ बढ़िया था, कोई भी कमी नहीं थी। डॉर्मेट्रीज़ भी बहुत बढ़िया थी, कंफर्टेबल बेड थे और अच्छा खासा स्पेस है। 8 बेड डॉर्मेट्री में मैं रुका हुआ हूँ तो अच्छी खासी स्पेस थी तो बढ़िया था। यहाँ पे सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ है, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, सब कुछ आपको मिल जाता है और रेट्स भी रीज़नेबल रखे हुए हैं तो सब कुछ अच्छा है। बस रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अगर आप आते हो तो रास्ता देख कर आना कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगती है कि रास्ता थोड़ा बेकार है और आप यहाँ पर इसी रीज़न से नहीं आना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो जी अभी हम जा रहे थे मैक्लोडगंज में तो मुझे भाई ने ज्वाइन कर लिया, केरला से आया है राहुल भाई। राहुल भाई हेलो। तो भाई आए हैं, राहुल भाई आए हैं केरला से, त्रिवेंद्रम से और रात को ही हम मिले थे जब हम कॉमन एरिया में गेम्स खेल रहे थे तो भाई मिले तो उन्होंने बताया अपने बारे में तो बात हो गई थी। पर सुबह ही बात हुई कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, कि मैंने बताया कि मैं मैक्लोडगंज जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बाकी नड्डी जाएंगे, डल लेक जाएंगे, अभी बहुत सारी जगह कवर करनी है और यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर आ रहा था। अभी हम बक्सू से निकले हैं मैक्लोडगंज जाने के लिए और यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर आ रहा है तो 5 मिनट के लिए खड़े हो गए व्यू को एंजॉय करने के लिए। कहीं पर भी जा रहे हैं ना जहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है वहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो जाती है एंजॉय करने के लिए। व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था और इन्जॉय करते हैं जी यहाँ की वाइब्स को, माउंटेन की वाइब्स को। और अगर आप मैक्लोडगंज जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, स्पेशली बक्सू जाकर। एक्चुअली बक्सू में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बक्सू में। और मैक्लोडगंज थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, मार्केट पूरी है और जितने भी सोलो ट्रैवलर्स होते हैं या जिन्होंने कम बजट में ट्रैवल करना होता है या वो पॉजिटिव जो माउंटेन्स की जो वाइब्स को एंजॉय करना चाहती है ना, वाइब तो आपको हर जगह पे मिल जाएगी। थोड़ा सा क्राउडेड प्लेस पे जाओगे तो वहाँ एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। अगर वाइब्स को एंजॉय करना है माउंटेन्स वाइब्स को तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर बक्सू की साइड या धर्मकोट की साइड और जो गल्लू देवी जो टेम्पल है उसके आसपास बहुत सारे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे तो वहाँ पर आप रुको और इन्जॉय करो। और हॉस्टल्स में रुकते हो तो वही मैं सेम लाइन दोबारा कहूँगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आपको आपके बन जाएंगे, बहुत सारे नए लोग आपको मिलेंगे, आपके नए फ्रेंड्स बन जाएंगे हॉस्टल में रुककर और आप एंजॉय करोगे। तो तभी मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूँगा कि आप बक्सू में रुको या आसपास रुको उसके। मैक्लोडगंज अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैक्लोडगंज रुक सकते हो और थोड़ा सा क्राउडेड है पर ठीक है, अच्छा है, वहाँ की वाइब भी इंजॉय करनी बनती है। तभी मैं आज जा रहा हूँ मैक्लोडगंज घूमने के लिए, मैक्लोडगंज की वाइब्स को एंजॉय करने के लिए। बाकी मोनेस्ट्रीज भी है वहाँ पे ही तो मोनेस्ट्री भी विज़िट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा धर्मकोट, यहाँ से करीबन 1.25 किलोमीटर दूर है और बक्सूनाथ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो ये रोड जाती है जी बक्सूनाथ के लिए और ये जाती है जी धर्मकोट के लिए और ये है जी पूरा मेन चौराहा जो कि मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं जी यहाँ पर आपको घुमाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज मिल जाएंगे और मेन स्क्वायर है ये मैक्लोडगंज का जहाँ पर हर कोई आना चाहता है और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रोड जा रही है। जिस रोड से मैं अभी आया था वो थी बक्सूनाथ की रोड जो कि करीबन बक्सू यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.25 किलोमीटर दूर है जी धर्मकोट यहाँ से। तो अलग अलग रोड जाती है। ये वाली रोड जो मेरे पीछे आप देखोगे ये दलाई लामा टेम्पल के लिए जाती है और ये वाली रोड जाएगी नड्डी के लिए, चर्च के लिए। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। मैक्लो कैफ़े जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर आपको दलाई लामा टेम्पल अभी जा सकते हो आप। दलाई लामा टेम्पल ओपन है कि नहीं है, आगे चलते हैं और देखते हैं दलाई लामा टेम्पल को। ये है जी पूरी मैक्लोडगंज की मार्केट। अभी हम दलाई लामा टेम्पल के लिए जा रहे थे और रास्ते में बहुत ही बड़ी मार्केट है जहाँ पर आप शॉल्स होगी, स्टॉल्स हो गया, को कोई भी आइटम चाहिए हैंडीक्राफ्ट तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा घर के लिए परचेज़ करने के लिए। बाकी ये 200 रुपीज़ की शॉल्स लगी है, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बाकी ज्वेलरी भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है बहुत सुंदर, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो अगर आप आते हो तो। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉप्स है। वैसे तो हमने शॉपिंग कर ली थी कल, जब हम भक्सुनाथ टेंपल के लिए जा रहे थे तब हमने शॉपिंग कर ली थी, पर आज तो शॉपिंग करनी नहीं क्योंकि इतना सारा लगेज हो चुका है और मेरा खुद का भी सामान इतना ज़्यादा था, ऊपर से मैंने शॉपिंग भी कर ली तो कहीं ना कहीं ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी। तो अब शॉपिंग तो नहीं करनी, पर हाँ आप आते हो तो बक्सू में भी शॉपिंग कर सकते हो, या आप यहाँ पर मैक्लोडगंज की जो पूरी मार्केट है यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हो। आगे जो पूरी जो मार्केट शुरू होएगी वो बिल्कुल जो तिब्बतन जो पूरी मार्केट होती है वो वाली मार्केट आपको मिलेगी, जहाँ पर शॉपिंग के ऑप्शन बहुत सारे होंगे आपके लिए। तो आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी शॉप्स है यहाँ पे। ये वाला स्टफ़ होता है, बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है जो कि कासोल में आप जाते हो या विंटर में कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हुई हुई है, वहाँ पर आपको गर्म कपड़े चाहिए होंगे और ये वाले स्टफ़ जो होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बाकी यहाँ पे ज्वेलरी भी है, बहुत ही सुंदर ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप घर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी भाभी के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने जितनी शॉपिंग करनी थी मैं कर चुका हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको पूरी मार्केट दिखा रहा हूँ कि अगर आप आते हो तो यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो कुछ ना कुछ। बाकी मैं आपको एडवाइस यही कहूँगा कि बक्सू में शॉपिंग करें क्योंकि बक्सू में थोड़ा सा सस्ता होता है यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मेन स्ट्रीट है ये मेन शॉप्स है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे महंगा मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक बार रेट ट्राई करेंगे क्योंकि ये बेल्स जो है वो मैंने कल परचेज़ करी थी वहाँ से, तो मेरे को 300 रुपीज़ की पड़ी थी। यहाँ पे देखते हैं जी कितने की ये बेल मिलती है और थोड़ी बहुत और चीज़ों का भी रेट यहाँ पर पता कर लेंगे कि क्या रेट है यहाँ पर। तो जी अभी यहाँ पर मैंने हैंगिंग बेल पूछी है कि कितने की है, जो कि मैंने कल परचेज़ करी थी। इस मार्केट में 450 रुपीज़ की दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट 50 रुपये तक का कर रही है, तो 400 रुपीज़ की बेल दे रही है। जो मैंने जो कल परचेज़ करी थी, जो कि बक्सू से परचेज़ करी थी, जो कि मेरे को 300 की पड़ी थी, यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया 50-100 रुपये आपको ऊपर ही रेट मिलेगा। तो शॉपिंग करनी है तो आप बक्सू जाइए या धर्मकोट के आसपास जो मार्केट है वहाँ से आप परचेज़ करिए, तो आपको सस्ता पड़ेगा। थोड़ी सी मार्केट मेरे को एक्सपेंसिव लगी। तो फ्रेंड्स अगर आप आते हो तो यहाँ पर केबल कार को भी आप इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला तक आप 300 रुपीज़ पे करके आप धर्मशाला भी जा सकते हैं केबल कार में। और ये है जी पार्किंग एरिया जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है मैक्लोडगंज में। अगर आप आते हो तो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हो और यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, जो कि आप इस पार्किंग में अपनी गाड़ी को आराम से खड़ा कर दीजिए और घूमिए पूरा मैक्लोडगंज। और बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, पूरे ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, धर्मशाला देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्रिकेट स्टेडियम तो नहीं दिख रहा पर हाँ हर जगह ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी होकर आ गया दलाई लामा टेम्पल से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाके। वैसे मैं वहाँ पर पहले भी गया हुआ हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दोबारा सेम प्लेस पर आते हो, और कितने सालों 5-6 साल बाद मैं आया हूँ, तो अच्छा लगा वहाँ पर जाके। बाकी मार्केट की बात करूँ, दलाई लामा टेम्पल के बिल्कुल बाहर जो मार्केट है वो अभी कुछ शॉप्स वहाँ पर बंद हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका रीज़न है कि जो तिब्बतन फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो लोसर करके फेस्टिवल होता है इनका, जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट ये करते हैं, वो करीबन 3 से 6 दिन तक चलता है। जब बीड़ में मैं गया था तो वहाँ पर 3-4 दिन तक शॉप जो थी वो बिल्कुल मार्केट पूरी क्लोज थी, कुछ ही शॉप वहाँ पर भी ओपन थी जैसे कि यहाँ पर ओपन है, बाकी मार्केट पूरी क्लोज हुई है। और धर्मशाला में भी सेम सीन था कि धर्मशाला में बहुत सारी शॉप जो थी वो बंद थी, कुछ ही शॉप्स ओपन थी। बाकी अभी टेंपल विज़िट कर लिए, अभी चलेंगे जी कुछ ना कुछ खाने के लिए या किसी कैफ़े में जाकर बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे जी सनसेट पॉइंट देखने के लिए और डल लेक देखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केबल कार की भी फैसिलिटी है। अगर आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाते हो या मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाते हो तो वन वे आपको 300 रुपीज़ पे करके आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। अगर आप राउंड ट्रिप करते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है मैक्लोडगंज से धर्मशाला घूमने जाने के लिए या धर्मशाला से मैक्लोडगंज घूमने आने के लिए। बाकी बहुत ही अच्छा है। मार्केट के बिल्कुल पास में जहाँ पर दलाई लामा टेम्पल है उसके बिल्कुल पास में यहाँ पर धर्मशाला स्काई वे है और केबल कार यहाँ से ही चलती है और यहाँ पर आकर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो केबल कार का। एक मैगी भी कर देना आप, मसाला मैगी। ठीक है। तो जी अभी नड्डी के लिए जा रहे थे। वैसे तो कैफ़े में जाने का प्लान था पर बीच में बहुत ही अच्छा स्टॉल आ गया। तो यहाँ पर दीदी आलू के परांठे बना रहे थे और मैगी थी, चाय थी। तो हमने चाय ऑर्डर कर दी और मैगी साथ में खाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई कैफ़े में चलेंगे, नहीं तो डल लेक चलेंगे। वैसे तो प्लान यही है कि डल लेक जाने का है और उसके बाद जाने का नड्डी सनसेट पॉइंट के लिए। पर अभी सनसेट होने में बहुत टाइम बाकी है, करीबन अभी 2:30-3 का टाइम हो चुका है। तो जी यहाँ पर थोड़ी देर पहले रिलैक्स करते हैं, उसके बाद चलते हैं जी डल लेक के लिए। ये कौन सा परांठा बन रहा है दीदी? ये आलू वाला बन रहा है भैया, आलू परांठा। ये प्लेन परांठा है ना? प्लेन परांठा बन रहा है नमक अजवाइन वाला। परांठे आपके दीदी बहुत बड़े बड़े परांठे, पूरे तवे जितने परांठे बना रहे हो आप। हाँ जी, आलू का परांठा, आलू पनीर सभी होते थोड़े थोड़े, आलू पनीर का, अंडे का, गोभी वाला, प्याज वाला सब होता है। ये आ गया जी हमारा आलू का परांठा और बहुत ही हैवी परांठा लग रहा है, बहुत ही बड़ा परांठा है और साथ में चटनी, साथ में है जी। ये कौन सी चटनी है दीदी? ये प्याज टमाटर लहसुन, अदरक लहसुन सब। प्याज टमाटर लहसुन की चटनी, क्या बात है जी। और ये मेरी बन रही है मैगी, मैगी बन रही है। बड़ी देर लगा दी मैगी बनाने में, लग रहा है जितनी देर लगाई है उतनी स्वाद बनेगी मैगी। अब एक तो चाय बन रही है, चाय बना के ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं वो अपने नहीं चला रहा, वो बराबर चला रहा। गलत आई है ना, हमने आई है जी, गलत आई है। लो सर, अगर आप कुछ तो चटनी डाल सकते हैं इसमें। चटनी कौन सी? वही वाली, वही लाल वाली, लाल वाली। पहले मैं ऐसे टेस्ट करके देखता हूँ। थैंक यू। चंबे बरमोर रोड पे बड़ी गर्म है। तो जी ये आ गई हमारी पहाड़ों वाली मैगी, बिल्कुल गर्मा गर्म मैगी आई है और दीदी ने थोड़ा सा टाइम लगाया पर मुझे पूरी होप है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है पहाड़ों वाली मैगी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले मैगी की फ़ोटो लेती है इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद टेस्ट करके आपको बताते हैं। अगर अच्छा लगे थैंक यू जी। तो जी दीदी ने मेरे लिए मैगी बनाई है, बहुत ही टेस्टी मैगी बनी है, सचमुच बहुत ही अच्छी मैगी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी है। साथ में इन्होंने कहा कि प्याज टमाटर की जो लहसुन वाली जो चटनी है वो साथ में लो, उससे आपको और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी मैगी खाती है जी प्याज टमाटर की चटनी के साथ और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से और इन्जॉय कर रहे हैं फूड को। आलू का पराठा खाया वो भी बहुत अच्छा था। कैसा लगा आपको आलू का पराठा? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। तो जी आलू का पराठा भी बहुत अच्छा बना हुआ था, चाय भी बहुत अच्छी थी और मैगी खा रहा हूँ, मैगी भी बहुत अच्छी है। बाकी जो इनकी जो चटनी थी वो खाई है, उसके साथ मैगी का और भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो भैया आपकी शॉप का नाम क्या था? बोहरा टी स्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पर आके रुके थे, आधा एक घंटा यहाँ पर बैठे हैं। दीदी ने बहुत ही अच्छे आलू के परांठे खिलाए, मैगी खाई, यहाँ पे चाय पी और बिल्कुल जो थकावट थोड़ी देर से लग रही थी और वो बिल्कुल जा चुकी है। अब दिल कर रहा है कि भाई घूमें और इन्जॉय करें। बाकी एक बार लोकेशन की बात करूँ तो नड्डी जाते हुए आपकी शॉप आएगी। नड्डी और डल लेक अगर आप इस रूट से जा रहे हैं, दो रूट जाते हैं, एक तो नीचे चर्च होते हुए जाता है, आपको ऊपर वाले रूट से जाना है। अगर आप ऊपर वाले रूट से होते हुए जाओगे तो दीदी की शॉप आएगी स्टार्टिंग में और बोहरा टी स्टॉल के नाम पे है। बाकी चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, बहुत इंजॉय करा यहाँ पर, बिल्कुल पहाड़ी वाला फील आया। वैसे दीदी आप हो कहाँ के? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हो आप, और यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पर हम भक्सुनाथ, भक्सुनाथ में। और शॉप की टाइमिंग क्या है आपकी? सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक लास्ट हो जाता है। 6 बजे तक। आलू के परांठे, गोभी, पनीर, सबके परांठे आप रखते हो? मैगी, चाय, अंडे, सब कुछ आप रखते हो? थोड़ा थोड़ा सब। और कोई दिन ऑफ भी होता है? ट्यूसडे, मंगलवार बंद रखते हो आप शॉप? कई बार मौसम ज्यादा ही खराब हो गया तब नहीं आते हम घर से। हाँ जी, वैसे हमारा ट्यूसडे तो छुट्टी होती हो तो ट्यूसडे तो परमानेंट है। चलो थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे आलू के परांठे खिलाने के लिए, और आपने चाय बहुत अच्छी बनाई, तो थैंक यू आपका। फिर आएंगे, कल मेरे को निकलना है वैसे, पर मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए आपकी शॉप पे ही आऊँगा। थैंक यू। कैसा लगा भैया आपको? आते रहते हो आप? हम तो रेगुलर कस्टमर हैं। अच्छा, रेगुलर हो, बढ़िया लगा। सर बड़े मज़े से खा रहे, सर को लग रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आया। हाँ जी, पूरे रीजन में यहाँ नहीं ऐसे। अच्छा, तो आप रेगुलर कस्टमर हो? हाँ जी, तभी तो इनको चला रही थी, एक साल बाद आ रहे हो करके। नहीं, हमने बहुत ढूंढे बट नहीं मिले, पर यहाँ पे आके थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, आने में अच्छा लगता है। चलो थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। पार्किंग भी जाती है, जिसके बाद जिसके गाड़ी लेके आता है उसके लिए पार्किंग भी होती है। अच्छा, ये पार्किंग लगी हुई है, जैसे अपना आप अपने गाड़ी लेके आए हो। अच्छा, तो पार्किंग लगा के खाना खा के आपने घूमने जा सकते हो, इसलिए यहाँ पार्किंग मिल जाती है। तो भैया का कहना था कि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है यहाँ पर, मतलब अगर आप आते हो तो इसी रूट से आप नड्डी के लिए जाओगे, डल लेक के लिए जाओगे, बाकी फैसिलिटी यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाइए और आराम से बैठकर यहाँ पे पीछे आलू के परांठे खाइए, गोभी के परांठे खाइए, चाय पिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पहाड़ों के बीच में बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और रिलैक्स यहाँ पर थोड़ी देर कर सकते हो आप। बाकी शॉप की टाइमिंग दीदी ने बता दी, अगर आप आते हो तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और आपको पसंद आएगा ज़रूर। मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर आके कुछ ना कुछ ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी डल लेक देखने के लिए आया हुआ था। ये कश्मीर वाली डल लेक नहीं है, ये मैक्लोडगंज वाली डल लेक है। करीबन 5 किलोमीटर चलकर हम यहाँ पर आए हैं, पर डल लेक जो है बिल्कुल सूखी हुई डल लेक है। और यहाँ से कह रहे हैं कि फ़िश जितनी भी थी वो सारी निकाल दी। अब इसको यहाँ पे सफाई करनी है, उसके बाद दोबारा इसको फ़िल्टर करने के बाद दोबारा भरा जाएगा। पर डल लेक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, पर उसके जो पीछे जो पेड़ है, बहुत ही सुंदर पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे पाइन ट्री है यहाँ पे, तो पूरी वैली बहुत सुंदर देखने को मिलती है। पर अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो ये डल लेक है ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, तो अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखते हुए। पर ये जगह पर आप आ सकते हो। बाकी यहाँ पर पीछे टिन टिन कैफ़े भी है, आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो अगर आप आते हो तो। और यहाँ पर मंदिर भी है, श्री दुर्गेश्वर महादेव मंदिर, तो आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। बाकी जी चलते हैं जी नड्डी पर ये डल लेक आती है, और नड्डी सनसेट पॉइंट पर अभी चलते हैं और वहाँ पर जाके सनसेट को एंजॉय करते हैं। एक्चुअली दोस्तों नड्डी में सिर्फ वही लोग आना पसंद करते हैं जो क्राउड के बीच में नहीं रुकना चाहते, जैसे कि मैक्लोडगंज, क्योंकि वो क्राउडेड प्लेस है। वहाँ पर आपको रात की चहल पहल भी दिखेगी, मार्केट पूरी प्लेस बन चुकी है, तो लोग वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते। जो लोग सिर्फ पहाड़ों की फील लेना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं नड्डी में, क्योंकि शाम को आप नड्डी सनसेट पॉइंट चले जाओ और यहाँ की जो ब्यूटी देखने को मिलती है पहाड़ों की, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हरे भरे पहाड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इस साइड में पीछे पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है और यहाँ पर आकर आप रुक सकते हो। बाकी यहाँ पर कच्चे घर भी देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर कच्चे घर यहाँ पर बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखकर ही। और यहाँ पर आप आ सकते हो और यहाँ पर रुक सकते हो। तो यहाँ पर मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हो और बिल्कुल क्राउडेड प्लेस पे नहीं रुकना चाहते तो वो नड्डी में बिल्कुल रुके। और यहाँ पर होटल भी है, रिजॉर्ट भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ईजिली आप यहाँ पर रुक सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर होटल्स की, रेस्टोरेंट की, सारी यहाँ पर मिल जाएगी, पर उतनी नहीं मिल पाएगी जितने की मैक्लोडगंज में मिलेगी, पर हाँ मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर रुकना आपका बिल्कुल सही डिसीजन होगा पहाड़ों के बीच पे, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल इतनी नहीं है, क्राउडेड प्लेस नहीं है, तो आप यहाँ पे इंजॉय करोगे और पहाड़ों के बीच में रुककर। नड्डी में घूमते हुए दोस्तों बहुत देर हो चुकी है, पर मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया यहाँ पे होम स्टेज, बहुत ही ज़्यादा होम स्टेज है। यहाँ पर आप रुक सकते हो क्योंकि होम स्टे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जहाँ पर आप रुक सकते हो। बेशक यहाँ पर वर्केशन के लिए आ रहे हो तो हफ्ता रुक सकते हो, महीने भर भी रुक सकते हो, और रीज़नेबल रेट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खास क्राउड नहीं आता। बाकी सब कुछ बढ़िया है और इन्जॉय कर रहे हैं वादियों के बीच में, बहुत अच्छी हवा चल रही है, पहाड़ पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे व्यू को देखने का मौका मिलता है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और बिल्कुल शांति है और पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और फील कर रहे हैं हवा को क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और यहाँ पर अगर आते हो तो होम स्टे में बिल्कुल आप रुक सकते हो, तो कम रेट में आपको होम स्टे भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई हॉस्टल्स नहीं है क्योंकि हॉस्टल जो मैंने आपको बताया वो भक्सू या धर्मकोट के आसपास के हॉस्टल, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं वो ज़्यादा कर रुकना पसंद करते हैं धर्मकोट या भक्सू के आसपास। बाकी फैमिलीज़ वाले लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, बेशक वो होम स्टे में रुके या होटल्स में रुके या रिजॉर्ट में रुके, तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती है ईजीली। एक्चुअली दोस्तों 5-6 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो सनसेट पॉइंट देखा था यहाँ से, बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पर आके क्योंकि यहाँ पे 3-4 दुकानें बनी हुई थी, पर अब दुकानें तो है 2-3 दुकानें, बाकी कमर्शियलाइज बहुत ज़्यादा कर दी है। पीछे भी आप मेरे देखोगे अभी भी प्रॉपर्टी बन रही है, तो सनसेट पॉइंट रह ही नहीं गया, लिखा तो वो सनसेट पॉइंट है पर कहीं ना कहीं आगे और भी प्रॉपर्टीज़ बन रही है तो अच्छा व्यू नहीं आ रहा वहाँ से। बाकी यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं सनसेट देखने के लिए, तो उनको भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ से सनसेट अच्छा दिखेगा क्योंकि पूरी की पूरी आगे भी प्रॉपर्टी बन रही है, पीछे भी प्रॉपर्टी बन रही है, तो सनसेट पॉइंट कहीं पे रह ही नहीं गया। तो जी अब देखते हैं क्या करना है, नहीं तो वापस चलते हैं।